वरना लोग समझता है यार ये ड्रामा कर रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए पड़ोसी मुल्क में इंडिया में जी जी किस किस का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ? ट्रांसप्लांट तो सबसे पहले सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, विवेक ओबरॉय, ऋतिक रोशन का ट्रांसप्लांट हुआ, ऋतिक रोशन का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, एक पल का जीना, हाँ, ये सर पे ये देखें कपिल, कपिल देव, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अच्छा ये क्या बात हुई, लड़के को उल्टी है घर वाले कहते हैं पी क्या है कमीना, और अगर लड़की को उल्टी है घर वाले कहते हैं कौन है वो कमीना, उल्टी चाहे कोई भी करे कमीना लड़का ही क्यों होता है। हाँ ये बताएं डॉक्टर। नहीं आप सही कर रहे हैं सर, मैं बहुत पहले की बात है मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे मेदे में बड़ी गर्मी, वो क्या करें आप एक काम करें छोटा एग्जॉस्ट फैन लगवा लें। ये कभी किसी को ऐसा मशवरा दिया हमने? तकरीबन ये सर्दियां थी उसमें साहब, सर्दियों में मैं डॉक्टर के पास गया, नजला खांसी बुखार, उन्होंने मेरा चेकअप किया, टेस्ट के पेपर लिख रहे हैं, मैंने कहा यार पता नहीं क्या लिख रहा है, मैंने ऐसे ही कह दिया मैंने डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवा मत लिख देना, वो क्या कह रहे हैं क्या 1 किलो जलेबी लिख दूं। अबे अभी एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन हुआ, लड़की की आंखें आई, वो कह रही मेरा मंगेतर का है, उसको क्या कह रही है, कह रही जिन आंखों से तुम देख रही हो बेटा, अब वो रोने लगी, कह रही मजाक कर रही हूँ बाथरूम गया। एक भाव आ रहे हैं अब यार सीरियस सवाल है तो सब, ये जिसके आगे के बाल जा रहे हैं इतना एरिया का है आधा चांद निकला है, तो उसको कितने पैसे लगते हैं मतलब एक ट्रांसप्लांट कराने के लिए? 70-80 हजार से। अच्छा मैंने देखा कुछ इतने पैसे मांगते, एक सर्जन ने एक बंदे से मामूली से ऑपरेशन के लिए कोई 65 लाख रुपए मांग लिए। 65 लाख रुपए? उस वो पेशेंट कह रहा सर इतने में तो नहीं गाड़ी आ जाती, सर्जन कह रहा बेटा वही तो लेनी है। अब भाई अच्छा डॉक्टर साहब शिकार वगैरह का शौक है, शिकार करने जाते हैं या क्लिनिक पे करते हैं? मैं क्लिनिक पे शिकार करते हैं। इसका कुछ इलाज करें सर, इसका इसकी बीवी से झगड़ा ही नहीं होता, इसको तो प्रॉपर चेकअप की जरूरत है सर। हाँ सर इसका क्या इलाज है? हाँ? इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल। एडमिट किसी और की बीवी के साथ? नहीं किसी और की बीवी के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार आज जिस शख्सियत को हमने बुलाया है वो एक डॉक्टर है और वो क्या कहते हैं मसले हल करते हैं। अच्छा वो मसला हल करते हैं जो मसला पूरे पाकिस्तान का है, पूरे कराची का है, बल्कि पूरी दुनिया का है। क्या मसला है वो? ये गंजपन बालों का। ओह तो हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली डॉक्टर ज़ैन लतीफ। और सुना सिर्फ ये बालों के डॉक्टर नहीं है, बाकी आधा के भी डॉक्टर्स हैं, मतलब अच्छा, इसकेन, इसकेन, सारे इलाज करते हैं। अच्छा तो जी जी मेरा तो काम हो गया। क्या हो गया आपका काम हो चुका? आपको पता ही नहीं, आपका तो हकीमी मसला बता रहे हैं। हकीम वो हकीम का काम होता है जो आपका जो मसला अच्छा, हकीम करेगा। ठीक है चलो, मैं पास है उस हकीम का नंबर? नहीं 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 वो मैं आपको SMS कर दूंगा, मैं किसी और से लेके। नहीं मैं आपको बात बता, देखिए डॉक्टर जो होते हैं ना वो बड़े सीरियस होते हैं, लेकिन ये हमारे जो डॉक्टर ज़ैन है ना ये बड़े मजाकिया है। ये तो सर्जरी करते हुए गीत माला लगाते थे माधुरी का ना, आप बाल भी लगवाते थे और यहाँ एंजॉय भी करना एक फन है ना। फिर ऐसा तो नहीं होता कहीं के बाल कहीं लग गए हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, एंगल चेंज होता है। डॉक्टर साहब ये उसमें साहब है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने बोला ये आगे बाल क्यों नहीं लगवा लेता, 2 लाख रुपए लग जाएंगे। कह रहा 2 लाख रुपए कैसे दूंगा, ये सोच के मेरे पीछे उड़ जाएंगे। और आगे मेरे पीछे बहुत बाल है। हाँ बहुत बाल है सर, ये कंधों पे दोनों एरिया। हाँ ये दोनों लीजिए से नीचे वाले बाल हैं। हाँ कंधों पे कंधों। हाँ, आपने तो पता है, मैंने अभी मैं ऑफिस बता रहा था उन्हें। अच्छा सर के अलावा मेरे सब जगह बाल हैं, कान से निकलते सर के। हाँ डॉक्टर साहब क्या होता है ये बेसिक सर के बाल चले जाते हैं, बाकी हर जगह के मतलब आ जाते हैं, आ जाते हैं, शोल्डर के सही हैं, आ जाते हैं वहाँ पे, यहाँ से खत्म हो गए नीचे। अभी मैं कमीज उतारू ना ऐसा लगेगा अंदर में टी शर्ट पहने हुआ बिल्कुल। आप वो घातक फिलिंग के सनी देओल ना है? नहीं बहुत बाल है, बहुत बाल। अनिल कपूर तो नहीं है ये? अनिल गफूर है, अनिल गफूर। अच्छा अनिल गफूर है। डॉक्टर साहब ये बता मुझे, ये जो हम बचपन में खेलते थे डॉक्टर, आपने कभी बचपन में खेला? अच्छा उसमें बताओ खेलने में प्रॉब्लम बड़ी होती थी, नर्स नहीं होती थी, लड़ाई किस बात पे होती थी? लड़ाई इस बात पे होती थी कि इंजेक्शन पहले मैं लगाऊंगा। अब जिसने इंजेक्शन लगाया वो गायब, उसके बाद खेल खत्म। यार वो इंजेक्शन लगा के चला गया। यार डॉक्टर साहब आए में मैं चाह रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सवाल। नहीं तो उन्होंने बचपन में कभी खेला आपने डॉक्टर? नहीं नहीं मैंने नहीं खेला। आप खेल ले यार, खेलते बड़ों को नहीं खेल पाते है ना, क्योंकि उन्हें पता कैसे खेलते। अच्छा एक सवाल है पूरी कॉम का सवाल, दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा हमारी कॉम को रखना है? ये तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है ना तो उसे अपना मूड भी खराब रखना पड़ता है, वरना लोग समझता है यार ये ड्रामा कर रहा है।